तो सबसे पहले तो आई वेलकम यू ऑल कि आप लोग इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तशरीफ़ लाए हैं और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पे और बहुत उम्मीद ये है कि इट्स गोइंग टू बी अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस इसमें हमने काफ़ी ऐसे ऐसे टॉपिक्स को ऐड किया है कि जो रेलिवेंट हैं कोविड रिलेटेड हैं या फ्यूचर ऑफ न्यूरोलॉजी और स्ट्रोक केयर के टॉपिक्स हैं लेकिन जो हमारा आज इस पूरी कॉन्फ्रेंस का और थमा जमा होने का मकसद है वो ये कि पाकिस्तान में स्ट्रोक केयर को बेहतर किया जाए और पाकिस्तान में स्ट्रोक की प्रिवेंशन को हम बेहतर करें आ, किसी तरह ब्लड प्रेशर कंट्रोल को टोबैको इस्तेमाल को हम कम करने में कामयाब हों और एयर पोल्यूशन को जो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर पाकिस्तान में इस वक्त है स्ट्रोक के प्राइमरी ठीक है स्ट्रोक की प्राइमरी प्रिवेंशन को हम एक अपना बहुत बड़ा फोकस बनाए क्योंकि पाकिस्तान में स्ट्रोक का बर्डन बहुत ज्यादा है अख्तर शरी ने जो दो हजार अठारह में स्टडी की है वो बहुत ही आई ओपनिंग किस्म की स्टडी है कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है स्ट्रोक का प्रेवलेंस काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसको हमें रोकने के लिए कुछ इकदाम करने की ज़रूरत है तो वो हमारी स्ट्रोक सोसाइटी और सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी मिलकर इसको करें दूसरी बात है कि के स्ट्रोक केयर का बड़ा गहरा ताल्लुक है स्ट्रोक केयर की अवेलेबिलिटी से और पाकिस्तान में अभी हमारे दस स्ट्रोक यूनिट काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं और इतने ट्रेन न्यूरोलॉजिस्ट हैं स्ट्रोक में और जो हमारे अस्पताल हैं जहाँ हमारे न्यूरोलॉजी काम कर रहे हैं मेरे ख्याल में हम स्ट्रोक यूनिट की तादाद को बढ़ा के बीस तक ले जा सकते हैं दो हजार बाईस के अख्ताम तक तो जहां जहां हमारे न्यूरोलॉजी फैकल्टी मौजूद है वो इसको काम करे इसके ऊपर आपको डॉक्टर्स को ट्रेन करना पड़ेगा हस्पताल की इंतजामिया को समझाना पड़ेगा उसके लिए बेतहाशा डेटा मौजूद है और कम अज कम हमें गवर्नमेंट हस्पतालों में पब्लिक हस्पतालों में स्ट्रोक यूनिट के क्याम के लिए कोशिश करनी चाहिए और उससे ओवरऑल केयर भी बहुत बेहतर होती है कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी होती है आउटकम बहुत बेहतर होता है और उससे आपको एक मौका मिल जाता है लोगों को ट्रेन करने का भी तो इसके ऊपर हमारे फोकस होना चाहिए कि हम एक तो स्ट्रोक यूनिट्स के क्याम को बढ़ाएं दूसरी बात है कि टी पी ए बहरहाल ड्रेप ने अप्रूव कर दी है अभी तो पाकिस्तान में पूरे साल में, में खाली कोई डेढ़ सौ दो सौ लोगों को टीपीए लगी है लेकिन मेरा अंदाजा है कि अगर हम इस पे वर्किंग करें तो पाकिस्तान में अगले साल एक हजार से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो टीपीए रिसीव कर सकते हैं इसके ऊपर हमारी सोसाइटी काम भी कर रही है लेकिन उसकी बुनियादी शर्त यह है कि हमारा न्यूरोलॉजी के जो कोलीग्स हैं वो कोलेबोरेट करें एमरजेंसी रूम फिजिशियंस के साथ और रेडियोलॉजिस्ट के साथ क्योंकि इन दोनों के साथ हम मिल काम किए बगैर जो है वो टी को लगाना और सही वक्त पर लगाना और सही तरीके से लगाना ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा तो इसके ऊपर हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और बाकी हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी तीन शहरों में थ्रम्बेक्टमी हो रही है कराची लाहौर और इस्लामाबाद में और हम पेशावर में कोयटा में और मुल्तान में भी ये थ्राम फैसिलिटीज ऐड करें तो वहाँ के डॉक्टर्स को हमें ट्रेन करने की जरूरत है और हमें उम्मीद है कि स्ट्रोक सोसाइटी हमारी कोलेबोरेट करके इसको करेगी कि हम इन जगहों पे करें हमें अपने न्यूरोलॉजी कम्युनिटी के लोगों को स्ट्रोक के लिए ट्रेन करने की जरूरत है और मेरा ख्याल है स्ट्रोक की फेलोशिप मीना साइनो के साथ मिलकर हम शुरू करें या हम स्ट्रोक की फेलोशिप शुरू करें अपने अपना मेरिट वालों के साथ लेकिन हमारी कोशिश ये हो कि साल में हर साल आठ दस ऐसे लोग निकलें कि जो स्ट्रोक में ट्रेन हो जिनको स्ट्रोक की केयर पता हो स्ट्रोक की फैसिलिटीज को मैनेज कर सकते हो तो हमें क्रिटिकल मास डेवलप करने की जरूरत है आइंदा तीन चार सालों में ताकि मुल्क में चालीस पचास ऐसे लोग हों जिनको स्ट्रोक की बेसिक केयर हमें पता हो और यह है कि एक और हदफ जो मेरा ख्याल में हमें करना चाहिए आज नहीं चार पांच सालों में कि हमें अपनी स्ट्रोक केयर को शहरों से थोड़ा बाहर की तरफ लेके जाना चाहिए और इस पे हम वर्किंग करेंगे डीएचक्यू अस्पतालों में चलो कम से कम 20-25 डीएचक्यू अस्पताल ऐसे हों जो शहर के बिल्कुल करीब हैं वहां पे लोगों को स्ट्रोक केयर मिल सके बलोचिस्तान में और जगहों के ऊपर तो ये जो है वो इसको वो इसको जो है वो हम करने में कामयाब हो सके तो ये वो एक हदफ है जो हमारी स्ट्रोक सोसाइटी को और हमारी न्यूरोलॉजी सोसाइटी को तय करना चाहिए हमें इसके लिए कोलैबोरेट करना चाहिए सबसे ज्यादा हमें हुकूमतों के साथ रबते करने चाहिए खासतौर पर सुबाई हुकूमतों के साथ के जिनका बड़ा अहम रोल होगा आइंदा आने वाले वक्त के अंदर स्ट्रोक केयर को बताने में इंडस्ट्री के साथ हमें काम करना चाहिए और एक हमें अलायंस डेवलप करना चाहिए तमाम लोगों के साथ मिलकर जो स्ट्रोक से रेलिवेंट हैं चाहे नर्सेज हैं इमरजेंसी डॉक्टर मेडिकल फिजिशियंस हैं इवन एम्बुलेंस का अमला है इन सब के साथ हमें मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम स्ट्रोक की केयर को बेहतर बना सकें और अगर ये काम हम करेंगे इन शहर आने वाले वक्तों में तो हम आइंदा आने वाले वक्तों में स्ट्रोक की के बढ़ने की रफ्तार को भी रोक सकेंगे और स्ट्रोक का जो आउटकम है बहुत बुरा आउटकम है इस वक्त तकरीबन हमारा मोर्टेलिटी रेट एक साल का चालीस फीसद है डिस्चार्ज मोर्टेलिटी रेट सोलह फीसद है और पोस्ट डिस्चार्ज फोर्टी परसेंट है विच इज वेरी वेरी हाई इसको हम बेहतर कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है इन आज की ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है और इसमें इस तरह की हमें उम्मीद है कि आगे वाले आने वाले आइंदा आने वाले हालात में हम मिलजुल के इस तरह काम करेंगे कि पाकिस्तान में हजारों की और लाखों की तादाद में जिंदगियों को बचाया जा सके और यही मेरे ख्याल में हमारा एक बड़ा है जो हमें हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए थैंक यू वेरी मच